अल्मोड़ा जिले के दनिया में पिछले दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगने के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दुकानदार ने कुछ दिन पहले आरोपी के साथ मारपीट की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने दुकान जलाई। इतना ही नहीं, इस आरोपी ने दुकान को जलाने के करीब एक हफ्ते बाद एक मोटरसाइकिल भी चुराई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। अल्मोड़ा के एसएसपी प्रदीप रॉय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 4 सितंबर को दन्या निवासी मोहन सिंह डसीला ने दन्या थाने में तहरीर दी कि किसी अज्ञात ने उनकी दुकान में आग लगाकर सामान जला दिया, जिसके बाद 11 सितंबर को दन्या निवासी ललित जोशी ने तहरीर दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली है। इस मामले में दन्या थाना पुलिस और एसओजी टीम ने सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से दोनों मामलों में साक्ष्य जुटाकर छानबीन की, जिसके बाद इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने डसीला निवासी आरोपी कमल सिंह को गिरफ्तार किया है। ये 4 सितंबर को दनिया में एक दुकान में एक व्यक्ति द्वारा आग लगाई गई थी, आग लगी थी और जब उसका सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो मालूम चला है कि ये किसी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। तो वो उसमें उस व्यक्ति की हम लोग फोटो से उसको आइडेंटिफाई करा रहे थे। इसी बीच 10 तारीख को दनिया से ही एक मोटरसाइकिल गायब हो गई और जब उसका सीसीटीवी कवरेज इत्यादि जब चेक किया गया तो मालूम चला कि इसमें जो हुलिया है और जो आग लगाने वाला हुलिया वो एक ही है। तो उस पर जब जांच पड़ताल की गई तो मालूम चला कि जो फोटोग्राफ हैं वो फोटोग्राफ कमल सिंह बिष्ट नाम का एक व्यक्ति है उसका है और एक अमित कुमार एक बंदा है वहाँ, उन दोनों का नाम सामने आया और इस पर फिर दोनों की तलाश की गई, तलाश किया गया और फिर इसको कमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमित कुमार की तलाश जारी है और इसमें ये मालूम चला है कि जिसकी दुकान में आग लगी थी उससे कमल की थोड़ी सी पहले कोई एक शादी समारोह में झगड़ा हुआ था, उसकी वजह से वो रंजित रख रहा था। बाद में वो लोन लेने के लिए गारंटर बनाने के लिए भी गया था तो जब वादी गारंटर बनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसने प्लान कर लिया था कि हमें इसमें इससे मुझे बदला लेना है। और ये पहले चंडीगढ़ भी काम करता था और चंडीगढ़ पे भी इसके ऊपर कुछ अपराध होना पाया गया है, इसके अपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है।